শিবসাগরত অবস্থিত ONGC সাপোর্টেড স্বর্গদেউ চুকাফা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল অসম আর ইয়ার উচর পাজরে থাকা অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবার পরিবেশের এক যুগান্তকারী সংযোজন। হসপিটাল উদ্বোধন করেছে মাননীয় কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী শ্রীযুত হার। মানে খরচটো যথেষ্ট কম হয় মানে বেলেগ হসপিটালতকে। আর আমার শিবসাগর জেলাত বিশেষকে এখনই সবতকে ডাঙর হসপিটাল বলে আমি কব পাৰো। আর ইয়াত মানে আগতে পেশেন্টর কেয়ারখিনির কারণে আমি ডিব্রুগড় বা যোরহাট এনেকে আমি রেফার করবলগিয়া হয়, কিন্তু মানে চুকাফাখন হওয়ার পর মানে সকলো ট্রিটমেন্ট ইয়াতে পোৱা গৈছে কম খরচতে। ইয়াত আছে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা আর চিকিৎসা পদ্ধতি। 35 একর মাটিত বিস্তৃত এই হসপিটালখনত 70 জন বিশেষজ্ঞ ডক্টরসর টিমর হইতে প্রায় 350খন বিছনা আছে। ONGCর দায়বদ্ধতাক প্রদর্শন করে 483.19 কোটি টাকা বিনিয়োগে এই হসপিটালখন নির্মাণ করা হয়। মই ডক্টর অনন্ত পন্ধরে, বিএবিপি কা ট্রাস্টি হুঁ আর স্বর্গদেউ চুকাফা মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল কে প্রজেক্ট কা আর ইস হসপিটাল কা চেয়ারম্যান হুঁ। मेरे ऊपर यह हॉस्पिटल खड़ा करने की सारी जिम्मेदारी पिछले 5 सालों से थी। यह हॉस्पिटल में सबसे फास्टेस्ट सीटी स्कैन है, जिसके सबसे लो डोज 96 स्लाइस सीटी स्कैन, 1.5 टेस्ला का ओपन मैग्नेट का एमआरआई है। खास करके यहाँ की सारी सुविधाएं दुनिया में सबसे अच्छी इक्विपमेंट जो है कंपनीज है उन्हीं से ली है। मॉड्यूलर ओटी नाम की नई कंसेप्ट नॉर्थ ईस्ट में हमने यहाँ इंट्रोड्यूस की है, जिसमें सारा 8 ऑपरेशन थिएटर का पूरा कॉम्प्लेक्स, हेपा फिल्टर, ऑटोमेशन किया हुआ ओआर इंटीग्रेशन, टॉप ऑफ द लाइन एनेस्थीसिया मशीन्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की मशीन्स, ये सारी सुविधाएं ऑपरेशन थिएटर में दी है। हमने ऑलरेडी इसमें स्कल बेस सर्जरी, पिट्यूटरी ग्लैंड सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर रिमूवल ये सारा शुरू किया है। माता बहनों के लिए सीजरियन सेक्शन और मैटरनिटी डिपार्टमेंट पूरा तैयार है। और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी, यहाँ हमने 3 अलग अलग प्रकार के इंटेंसिव केयर यूनिट खड़े किए हैं। मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ हम अभी स्नेक बाइट, पानी में डूबने के कारण क्रिटिकल होने वाले पॉइजनिंग के पेशेंट्स ऑलरेडी बचाना शुरू किया है। उसी प्रकार बिल्कुल छोटे बच्चे जिनकी आयु कम होती है या जिनका वजन कम होता है, उनके लिए नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट विथ ऑल पॉसिबल इक्विपमेंट्स खड़ा हो चुका है। तो ये एक हॉस्पिटल अपने आप में संपूर्ण सुविधाओं से लेस हॉस्पिटल बन गया है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वी आर ऑलरेडी ट्रीटिंग मोर देन 30 पेशेंट्स एवरी डे एंड सेविंग देयर लाइफ। तो इसकी सुविधाओं के कारण ये हॉस्पिटल पूर्व भाग का रेफरल हॉस्पिटल बनेगा, ये मेरा विश्वास है। ONGC চুকাফা হাসপাতালে আনিব অসমৰ স্বাস্থ্য সেৱালৈ অমৃত।